आज पूरे देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में हिम सैनिक मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के धामनकर नाका क्षेत्र में, जहां पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की शोभा यात्रा निकाल कर हिम सैनिकों ने काफी हर्षोल्लास के साथ में यह जयंती मनाते हुए दिखाई दिए। ऐसे में हम आपको बता दें कि इस जयंती के उपलक्ष्य में शहर के कई गणमान्य, कई शासन प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित थे। विशेष तौर पर थाने जिला पुलिस आयुक्त विवेक फणसाड़कर भी उपस्थित थे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के फोटो पर फूल माला चढ़ाकर जयंती के सभी मंडल के लोगों से मुलाकात की। हम आपको बता दें कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मध्यवर्ती संयुक्त जयंती उत्सव भिवंडी के जो अध्यक्ष हैं बबन गोड़के, उनके सहयोगी मित्रों के साथ में हमारे चैनल के संवाददाता से बातचीत भी किए। हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि भीम सैनिकों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं ढोल ताशे बाजों के साथ में यह जुलूस निकाला गया है, तो कहीं पर नाचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर पर जगह जगह पर स्टॉल लगाया गया था, कहीं नाश्ते वितरण किए जा रहे हैं तो कहीं पर पानी वितरण किए जा रहे हैं। ऐसे में हम आपको दृश्य दर्शा रहे हैं भिवंडी के धामनकर नाके क्षेत्र से जो जुलूस निकलता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में। भाई बहुत हर्ष उल्लास का दिन है, घटनाकार और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 128वीं जयंती है। अच्छे से सब धूमधाम से और सभी देशवासियों को और सभी भारतवासियों को बधाई है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आज भिवंडी में नहीं पूरे विश्व में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। आज भिवंडी शहर में भैया साहेब अम्बेडकर नगर से एक ऐतिहासिक जयंती साजरी हुई है। वो इतिहास जयंती ऐसी है कि भीख नको कुणाची, भैया साहेब अम्बेडकर नगरला हवी भीम जयंती हक्काची। आज ही स्वाभिमानी जयंती आहे आणि स्वाभिमानीची जयंती आहे ती संयुक्त जयंती आहे आणि या संयुक्त जयंतीला क्रांतिकारी जय भीम जय भीम जय भीम। नमस्कार, मैं संदीप गुप्ता, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ टीवी। पूरे देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 128वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। भिवंडी शहर में भी इसी तरह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की एक रथ यात्रा निकालकर यहां के जो जयंती उत्सव के अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे कि यहां पर लगभग कितने लोगों की क्राउड रहता है और इस जयंती में जो भीम सैनिक है कितने लोग भाग लेते हैं, बढ़ चढ़ कर। सर क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ जयंती के अवसर पर और इस जयंती के अवसर पर आप लोगों की तरफ से क्या नया किया जा रहा है? बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनकी 128 के जयंती के निमित्त मैं आपको सब भिवंडी वासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और यहाँ पर गए साल और सालों साल से यहाँ पर भिवंडी में जो बहुत से अम्बेडकरवादी जो लोग हैं सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर धूमधाम से जयंती मनाते हैं और उसके बाद में ये साल भी पहले साल से भी और ज़्यादा मतलब कि ये धूमधाम से जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है। जयंती के अध्यक्ष है उनसे बातचीत की, लेकिन और भी हम लोग जो इस जयंती के निमित्त क्या बधाई देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? सर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 128वीं जयंती पर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 128वीं जयंती जो पूरे विश्व में मनाई जा रही है, भिवंडी शहर के जो मध्यवर्ती डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मध्यवर्ती उत्सव मंडल है उसके जरिए भी ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है उस उपलक्ष्य में आज ये जुलूस निकाला जा रहा है जिस जुलूस में आप सब लोग शामिल हैं। ये जुलूस कहाँ से कहाँ तक के ले जाए? यहाँ ये जुलूस जो है हर साल की तरह से धामनकर नाका से लेकर भिवंडी म्यूनसिपाल्टी का जूना जो कार्यालय है उसकी तरफ जाके उसका समारोह हो जाए। तो हमारे साथ में जयंती मंडल के कई सदस्य भी जुड़े हुए थे। हम आपको बता दें 128वां जयंती जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मनाया जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र की बात करें सोलापुर के बाद भिवंडी का ही नाम आता है जयंती उत्सव मनाने में। कैमरामैन आदिल के साथ भिवंडी से संदीप गुप्ता। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जनता की आवाज टीवी न्यूज़। धन्यवाद।